गुड मॉर्निंग, मैं अभी जा रही हूँ हरिहर फोर्ट। एकदम ठंडी अर्ली मॉर्निंग है, 6:30 बजे। एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है और यहाँ का सीन भी विंडो से बहुत मस्त आ रहा था। तो अभी देखते हैं, थोड़ा डर भी लग रहा है पर आई थिंक सो मज़ा भी आने वाला है। तो आप भी चलिए मेरे साथ हरिहर फोर्ट के ट्रैक। दोस्तों, हरिहर किला महाराष्ट्र राज्य के पर्वतमाला में स्थित है। यह किला पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग और घूमने का आकर्षण केंद्र बन चुका है। हरिहर किला यादव राजवंश काल के दौरान बनाया था। कुंडाघाट से गुजरने वाले व्यापारी मार्गों की निगरानी के लिए यह किला महत्वपूर्ण था। फाइनली अभी हमारा गेट खुल गया, तब हम जा रहे हैं। चलो चलते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और हम ऊपर तक देखते हैं, हम मैं चल पाती हूँ या फिर मेरे में इतना सारा दम है या नहीं। चलो, इधर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और हमें ऊपर तक जाना है। मुझे लगता है ये मॉनसून में खाना बेचने के लिए होगी। हम हरिहर किले पर रह भी सकते हैं पर इसके लिए हमारे पास अपना तंबू और खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। ज्यादा सुविधा ना होने के कारण लोग रात को यहाँ रुकना पसंद नहीं करते। हाँ, इतना कोई बहुत ही सुंदर बेस्ट थी जो आपको बहुत दूर जाना पड़ता है देखने के लिए। ये देखो सनराइज, वो भी माउंटेन के ऊपर से, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब देख सकते हो, बहुत ही आपको देखने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, उस सन में माउंटेन से राइज हो रहा है। चलो तब हम आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत दूर जाना है। जगह जगह पर ऐसे एरोस बने हुए हैं कि हमें रास्ता बताते। इधर बहुत सारे रास्ते हैं तो कंफ्यूज ना जाए इसीलिए। और थोड़े थोड़े दूर आगे चलते ही एरो दिखते हैं, इधर भी बहुत सारे एरो दिखे जाएंगे। यह किला पहाड़ के नीचे से चौकर दिखाई देता है मगर इसकी बनावट प्रिज्म जैसी है। ये हमारी यंगेस्ट ट्रैकर है। नाम का नाम। इसका नाम क्या है? खुशी। I'm very much tired. मेरी तो टाइटाइटिस हो गई है। मैं तो कह रही हूँ फिर से नीचे उतर जाओ, कितना ऊपर तक जाना है। चलो, जाना तो पड़ेगा। आ गए इधर, थक गई हूँ मैं बहुत। हम इधर से शुरू किया था हमने और अब हम इधर तक जाना है। ज़्यादा दूर नहीं है, उधर चढ़ के 170 स्टेप सीढ़ियाँ उतरनी है फिर पहुँच जाएंगे। यह किला त्र्यंबकेश्वर से 20 किलोमीटर, नासिक से 40 किलोमीटर और इगतपुरी से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंदर हरिहर किला एट्रैक्टिव नेचर ब्यूटी से घिरा हुआ है जो सैकड़ों साहसी ट्रैकर्स और रोमांच आने वालों को आकर्षित करता है। एंडिंग पॉइंट। इधर करमदा के पेड़ लगे, इसमें फ्रूट भी है तो हम उसे तोड़ के खा भी सकते हैं। चलो ये देखिए, और अब इधर नींबू पानी पीने आए। अभी इधर से आधा घंटा रास्ता है और ये प्यारा सा कुत्ता यहाँ हम नींबू शरबत पीने आ रहा है। इधर से कितना दूर है? आधा घंटा।
समझ में नहीं आ रहा। इधर दो रास्ते हैं, हर्षवाड़ी और निर्भूर पाड़ा। हम हर्षवाड़ी से आए हैं और इधर से दो कुछ लोग जो निर्भूर पाड़ा से आएंगे वो इधर से आएंगे और हम उधर से आए हैं। और इधर हमारा हरियर किला है जहाँ मैं अभी चढ़ना है। हर हर महादेव। ये देखो इधर टीका किया है एकदम त्रिशूल वाला, एनर्जी आ गई। अब चलो। बेस्ट सीजन और बेस्ट टाइम अक्टूबर टू फरवरी। प्री मानसून और मानसून में हल्की हल्की बारिश हो तो मजा आता है, बाकी फुल मानसून और वीकेंड में यहाँ आना की एडवाइस नहीं दूंगी। वीकडेज आना है तो आपका ट्रैक मोर एंजॉयबल बन सकता है। वैसे तो कुछ मेंशन नहीं किया बट आई एडवाइज मोर देन 15 ईयर लोग यहाँ पर आ सकते हैं तो अच्छा रहता है। मैं अभी लंबी हो रही हूँ। इस किले की विजिट करने का सपना हर एक टूरिस्ट और ट्रैकर का होता है, क्योंकि हरियर फोर्ट में है रोमांच, एडवेंचर, खूबसूरती, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर डिजाइन और वर्टिकल स्टेप्स। जी, हरियर फोर्ट की उनकी सीढ़ियाँ, अभी मैं वो चढ़ने आ रही हूँ। जैसे एकदम टॉप पे जाना है। और अब देखते हैं कितना मुश्किल है और मैं कर पाती हूँ या नहीं। आप भी मेरे साथ चलो। जैसे कि आप देख सकते हो सब लोग बैग से उतर रहे हैं और उधर से हमें उधर वो दरवाजे तक तो जाना होगा। इधर है देखो वहाँ कोई ड्रोन से शूटिंग कर रहा है। कई जगह पर सीढ़ियाँ इतनी संकरी है कि एक बार में एक ही व्यक्ति आ जा सकता है। किले की चढ़ाई सबसे पहले 1986 में मशहूर पर्वतारोही डॉग स्कॉट ने की थी। हमारी 80 डिग्री वाली सीढ़ियाँ में स्टार्ट हो चुकी है। इधर हाथ और पैर रखने के लिए गड्ढे भी है जिससे हम सपोर्ट ले सके। तो बहुत ही अच्छा है इससे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि चढ़ने और उतरने के लिए दोनों बाजू ग्रुप बनाए गए हैं। एक पहले खाली अब बाइक खाऊंगा। जय हो, जय शिवाजी। हो गया गाइस, फाइनली हम इधर तक तो आ गए। यस अभी और भी चढ़ना है। बहुत ही इजी था, सबसे पहले मैं आई थी फिर आओ। आपको लग रहा है ये डिफिकल्ट है पर ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये देखो इधर से खोल जा रहा है। इधर से आप देख सकते हो शूट, इधर शूटिंग के लिए तो होगा ना। इधर शूटिंग के लिए इधर बंदूक डालते हैं फिर इधर से शूट करते हैं। बजरंग बली की जय। बाहर से जो हम देख सकते हैं 50 सीढ़ियां है, बाकी के स्टेप्स इटरनली है जो बहुत जल्दी मैं आपको दिखाऊंगी। क्या इंजीनियरिंग, क्या सिविल वर्क, क्या आर्किटेक्चर, वह भी उस जमाने में। एक्चुअली क्या माइंड था, सुपर माइंड। सैल्यूट टू ऑल।
मुसीबत का साथी, मेरा पानी वो भी खत्म होने वाला है अभी। इधर से भी ऊपर से चलो आगे बढ़ते हैं। गाइस ये एक पर ये पूरा पहाड़ के अंदर होल था और उसमें केव जैसे एक मस्त सुंदर सा रास्ता बनाया है। मतलब ये लोग पहले कैसे करते थे, कितने नए जिन्होंने भी ये घर बनाया, मतलब जो राज नहीं जो वर्कर्स थे जिन्होंने भी ये बनाया उनका प्रणाम, क्योंकि इतना ये चीज कौन बना, बहुत मस्त। हेलो गाइस, मैं हूँ प्रार्थना फ्रॉम परसोतकर, मैं लेने वाली हूँ इंटरव्यू। पहले आपका आप चढ़ लिए या उतर रहे हो? चढ़ने वाले। मजा आ रहा है या नहीं? थोड़ा 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 डर लग रहा है लेकिन मजा आ रहा है। क्या एडवाइस दोगे आप? हम तो इतना भी चढ़ लिया, बाकी उतरते वक्त ज्यादा डर लग रहा है। टॉप व्यू में जब हम देखते हैं तो आजू बाजू में बासगढ़ किला, उतावड़ पीक, अवध पट्टा, सेलबारी रेंज, सातमाला रेंज, वेतारना डैम, काला सुबाई रेंज और ब्रह्मा पर्वत का खूबसूरत नज़ारा भी दिखाई देता है। व्यू में हमें फ्लैट ग्राउंड, शिवाजी का झंडा, सराउंडेड बाय माउंटेन्स, वैली और रिवर और छोटे छोटे गांव भी दिखाई देते हैं। ये देख सकते हैं बहुत बड़ा और इधर का व्यू कितना खूबसूरत है। उधर एक नदी है, बहुत ही छोटा पर्वत है, प्यारा सा किसी ने बनाया है एकदम अकेला सा। भी बनाया इसमें थोड़ा और लंबा करते हैं, बहुत ही मेहनत से बनाया होगा। छोटे छोटे घर एकदम खिलौनों की तरह, उधर भी बड़े बड़े पहाड़ है और इधर एक झंडा है। जय शिवाजी। पता नहीं चला कैसे हम इतनी जल्दी ऊपर आ गए, कितने बज गए अभी 9 बजे। हाय गाइस, ये देखो मैं एक पत्थर पे खड़ी हूँ, डर लग रहा है गिर ना जाओ, पर इधर बहुत मजा आ रहा है, एकदम प्रेजेंट है। मेरे पीछे हनुमान का मंदिर है और इधर धूप तो आ रही है पर हवा ठंडी आ रही है इसलिए गर्मी नहीं लग रही। इधर पानी है और इधर पहाड़। और चलो चल रहे हनुमान मंदिर की तरफ। अभी हमने हरिहर किले का पहला पड़ाव पार कर लिया है। अभी हमें हरिहर किले के टॉप पॉइंट पे जाना है जहाँ एक हनुमान मंदिर है। इधर से जान उधर पहुँचने के लिए हमें 10-15 मिनट लगती है। तो कि आप देख सकते हो एक खतरनाक खाई भी इतनी खूबसूरत दिख रही है और हमारा नज़ारा भी कितना सुंदर है। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे देखो कितनी भीड़ लगी है, सब लोग भीड़ लगी है सब लोग मंदिर में। बंदे पानी वाला कुआं, इसका पानी बिल्कुल ड्रिंकेबल नहीं है और इसके अंदर हो सकता है खजाना। तो खजाना को उठ के फिर कुछ नहीं अपने घर पे रखेंगे, एकदम एंटिक चीज की तरह। यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, भगवान हनुमान का मंदिर और छोटा तालाब। हर महादेव। थोड़ा आगे एक महल है जिसमें 2 कमरे हैं।
रेस्ट टाइम हो रहा है, मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, ये मिट्टी से भरे सीड है, इसके अंदर सीड है, इसको फेंक देना है नीचे और फिर जब बारिश आएगी तो ये अपने आप उग जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार भी जो पेड़ उगाने का तरीका। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 सीड, नंबर 2 सीड, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सीड नंबर 3, हर हर महादेव, सीड नंबर 4, हर हर महादेव। आप लोग भी इधर आए और ये प्लांटेशन भी करें और यहाँ का मजा भी ले। सिर्फ फोटो से हार्ड लगता है, बहुत ही इजी है, बहुत मजा आया हमें। और ये किस बेवकूफ ने इधर कचरा फैलाया है, सॉरी भाई बहन जिसको भी मैंने बेवकूफ कहा, पर आप बेवकूफ हो ही, क्योंकि ये कचरा इधर क्यों फैलाना चाहते हो, ये हम हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो प्लीज़ कचरा मत फैलाइए। चलो अब इसको घर नीचे जाके फेंक देंगे। फिर भी ये वेफर क्यों खाना, इससे अच्छा मम्मी के हाथ के बाजरे की रोटी, मकई का साग लेके आओ, फ्रूट्स लेके आओ, ये हेल्दी चीज़ खाओ ताकि आप ट्रैकिंग तक उधर तक चढ़ पाओगे। तो इसीलिए ये सब कुरकुरे खाओगे तो आपकी हालत टाइट फिट हो जाएगी, और हेल्दी खाओगे तो उधर तक पहुंच जाओगे। देखो मैंने फ्रूट्स वाला टी शर्ट पहना है, बिकॉज आई सपोर्ट फ्रूट नॉट कुरकुरे। गाइस अब हम फिर से जा रहे हैं नीचे, अभी अब हम नीचे जाएंगे। चलो अभी तो खत्म ऊपर आ गया, क्लियर है। चढ़ने से ज्यादा उतरना विशेष रूप से प्राण पोषक है, जो नीचे की घाटी के शानदार और कभी कभी डरावने दृश्य प्रस्तुत करता है। रास्ता है किसी को चोट बोट करे तो इधर से हम हेल्प कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है यह। अभी हम फाइनली पहुंच गए, बहुत यस। तो अभी मैं पानी पीऊंगी और घर जाऊंगी, आपको भी मज़ा आया होगा। तो आप भी इधर आना, बहुत ही इजी है, हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। तो अब टाटा। तो अब हम जा रहे थे और रास्ते में बहुत ही प्यारा सा व्यू है, नदी किनारा, और वो हमारा हरियर फोर्ट, उधर बहुत ही अच्छा व्यू है। हम रास्ते से जा रहे थे, ये देखिए आप देख सकते हैं,
बहुत सारे माउंटेन भी है और एक नदी है। आजू बाजू पक्षियों की आवाज़ आ रही है, बहुत ही अच्छा सा मौसम है, एकदम फ्रेश हो रहा है, अच्छा लग रहा है, नो पोल्यूशन और ये ट्रैफिक से अच्छा एकदम शांत सा है। उधर से नॉर्मल सिटी में जो आवाज़ें आती है वो, मेरे इधर कुछ नहीं है, बस चिड़िया और पक्षी की आवाज़ और इधर ये अच्छा सा व्यू और अच्छा सा मौसम। आप भी एक बार इधर आओ घूमने, हरिहर फोर्ट आओ, बिल्कुल इजी, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं और भी जाओ, बस नेचर के साथ रहो। दोस्तों अब हमारा हरिहर का सुहाना सफ़र ख़त्म हो रहा है, तो मेरे मन में एक शायरी आ रही है, तो इरशाद फरमाइए। हरिहर किला खूबसूरती का नज़ारा, देखे सारे किले पर ये सबसे प्यारा। वर्टिकल स्टेप्स देखने में डरावना, चढ़ तो गए पर मुश्किल है उतरना। हनुमान शिव का मंदिर, मैंने सर झुकाया, जय शिवाजी का नारा सबका जोश जगाया।